गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द फर्स्ट सेशन। एंड टुडे इन फर्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू नो अबाउट द सर्टिफिकेट्स, विच आर अटैच्ड विद द गूगल फॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन दैट द ऑनलाइन एक्टिविटीज विच वी कंडक्ट, जो हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से वी ऑर्गेनाइज मैनी ऑनलाइन एक्टिविटीज, और ये ऑनलाइन एक्टिविटीज जो क्विजेस हैं या कॉम्पिटिशन्स हैं, जब भी आप गूगल फॉर्म के थ्रू ये सबमिशंस करते हैं, तो आपने देखा होगा आफ्टर द क्विज, क्विज के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आपके ईमेल पर आ जाता है। द मोमेंट यू सबमिट योर फीडबैक फॉर्म और द मोमेंट यू सबमिट योर गूगल फॉर्म, जैसे ही आप गूगल फॉर्म उस एक्टिविटी का सबमिट करते हो, क्विज सबमिट करते हो, तो आपके मेल पर विद इन सेकेंड्स ये सर्टिफिकेट आ जाता है। हाउ इट इज, हाउ इट कम्स टू यू, कैसे वो आपके पास आ जाता है, कौन सी सेटिंग्स ऐसी करना होती है, सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है, कैसे गूगल फॉर्म के साथ अटैच करना होता है सर्टिफिकेट को, टुडे वी विल लर्न दिस थिंग इन दिस टू सेशंस। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अटैच सर्टिफिकेट, कैसे अटैच करेंगे गूगल फॉर्म के साथ में। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। इज इट विजिबल, ये गूगल सर्च की जो नॉर्मल एक जो होम पेज होता है वो है। आई होप इट इज विजिबल राइट इन द चैट। नाउ ऑन द राइट साइड यू नो वेरी वेल दिस इज योर अकाउंट आइकॉन वेयर योर पिक्चर इज देयर। इट मे बी योर फोटोग्राफ और द पिक्चर यू हैव, द इमेज यू हैव यूज्ड, उसके साइड में जो पॉइंट्स है उसको आपको क्लिक करना है। गूगल फॉर्म्स आपको पता है, या तो ड्राइव में जाके भी गूगल फॉर्म मिल सकता है, बिकॉज वी हैव ऑल द थिंग्स अटैच टू गूगल ड्राइव, में मिल सकता है, या फिर अलग से भी गूगल फॉर्म का ऐप यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो इन गूगल ड्राइव। हम गूगल ड्राइव में जाते हैं और देखते हैं एक सैम्पल सर्टिफिकेट को कि एक सर्टिफिकेट कैसे दिखता है। आपको तो कुछ सर्टिफिकेट मिले ही होंगे, बट वी विल ट्राई टू सी अ सैम्पल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। जब भी आप कोई क्विज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इस ढंग का क्विज जरूर दिया होगा जो हमने फ्लोट किया था इसी मंथ में, इट वॉज ई क्विज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेन ऑस्टन। ये जेन ऑस्टन की बर्थ एनिवर्सरी पर एक क्विज हमने लिया था। अब इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो हमने बनाया था, उसका भी हम देख पाएंगे, देखते हैं उसका भी। उसका सर्टिफिकेट देखते हैं, जेन ऑस्टन का या कोई भी एक सैंपल सर्टिफिकेट देखते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्टिफिकेट, ये जेन ऑस्टन पर तो नहीं है सर्टिफिकेट,
और बिंदु घोष पर हमने एक क्विज ली थी, पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन लिया था, तो उसका ये सर्टिफिकेट है। सो दिस इज द सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसमें पूरे डिटेल्स होते हैं, ऑल द डिटेल्स, ये कैसे आपको मिलता है, इसको कैसे अटैच किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, टुडे वी विल लर्न इन दिस सेशन। हमने लास्ट सेशंस में ये सीखा कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। अब गूगल फॉर्म अगर क्विज का बनाया है हमने फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसमें ये सर्टिफिकेट कैसे अटैच करेंगे वो हम सीखेंगे। नाउ वी विल गो फॉर अनदर थिंग। हम एक दूसरे अकाउंट में जाएंगे जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम अटैच करते हैं। दिस इज गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में हम ओपन करेंगे, ये लेफ्ट साइड में जो न्यू है उसको ओपन करेंगे, न्यू को, न्यू वाला जो इसमें ओपन करेंगे तो देखेंगे इसमें लेफ्ट साइड में ये सबसे नीचे में गूगल फॉर्म से इसको क्लिक करेंगे। एंड अ फॉर्म विल अपियर इन फ्रंट ऑफ यू। हम सैंपल के तौर पर ये जो हम पहले से एक यूज कर रहे थे ये वाला एक गूगल फॉर्म हम यूज करेंगे। ये गूगल फॉर्म एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का है जिसमें आप वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कोई एक्टिविटी के लिए, या हमारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए, ग्रुप के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस ढंग का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का गूगल फॉर्म तैयार करते हैं। ये गूगल फॉर्म है जिसमें बहुत सिंपल से चीजें हैं, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखा है, नेम, ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर और कमेंट्स। इफ इट इज एन एक्टिविटी, अगर ये एक्टिविटी है तो हम इसके साथ सर्टिफिकेट कैसे अटैच करेंगे। ये तो हमने गूगल फॉर्म बना लिया, क्विज कंपटीशन का, पोस्टर कंपटीशन का, ड्राइंग कंपटीशन का, पोएट्री रिसाइटेशन का, तो अब हम इसके साथ सर्टिफिकेट कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी दिस इज द गूगल फॉर्म एंड जस्ट ऑन द राइट साइड में ये सब हमारा आइकॉन है। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ये आइकॉन है, इज इट विजिबल द स्क्रीन, जो हमारा आइकॉन है, यू कैन राइट इन द चैट, ओके इट इज विजिबल। तो ये आइकॉन के साइड में तीन डॉट्स हैं, ये तीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये तीन डॉट्स को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको, तो यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। वी हैव टू ऑप्ट फॉर, क्योंकि हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बाद आना, जैसे ये मेक का कॉपी है, मूव टू ट्रैश है, ये हमारा काम का नहीं है अभी, लिंक है, ये प्रिंट है, ऐड कोलैबोरेटर्स है, स्क्रिप्ट एडिटर है, गेट ऐड ऑन्स, ये वाला जो ऑप्शन है, पहले क्या करना है, ये तीन डॉट्स को क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक दिस गेट ऐड ऑन्स। ऐड ऑन्स को क्या होता है कि हम गूगल फॉर्म के साथ में कुछ चीज अटैच कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर अटैचिंग टुडे, वी आर अटैचिंग सर्टिफिकेट, हम सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट एड ऑन्स, हमें ऐड करना पड़ेगा गूगल फॉर्म के साथ। इसको हमने क्लिक किया, और ये एड ऑन्स क्या है, एड ऑन होते हैं एप्स, और भी बहुत सारे एप्स होते हैं जो कि आप गूगल फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी जो सबसे
इम्पोर्टेंट हमारा, इट इज अबाउट सर्टिफिकेट। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसको क्लिक करेंगे, जैसे देखो जैसे हमने ये थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, हम गेट एड ऑन्स पर आ गए। गेट एड ऑन्स पर क्लिक किया, दिस पेज विल बी ओपन, ये पेज ओपन हो जाएगा। और ये जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पर गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, सर्च एप्स में क्लिक करना है लेफ्ट साइड से, और इसमें हम सर्टिफायम लिखेंगे, ये सर्टिफायम। तो जैसे ही हम सर्टी लिखेंगे, CERTI, तो जो पहला ऑप्शन है सर्टिफायम, ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मगर जो पहला है, पहला सर्टिफायम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू यूज। ये बहुत इजी होता है यूज करने के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक दिस सर्टिफायम। सर्टिफायम को आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग सर्टिफायम, सर्टिफायम को क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला जो रिजल्ट है सर्टिफायम का, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, जो कि फ्री है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो सर्टिफायम के बारे में, कि ये ग्लीडा सॉफ्टवेयर ने बनाया है, और सेंड सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन फॉर फ्री विद सर्टिफायम। तो कोई एग्जाम ले रहे हैं, कोई असेसमेंट कर रहे हैं अगर आप, तो आप ये सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो साथ में, तो यू कैन अटैच, वी कैन यूज दिस ऐप। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये सामने हमारे आता है तो इसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होगा, दिस पेज विल बी ओपन, ये पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बॉक्स यहाँ पर होगा, यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल, मीन्स दिस ऐप, ये जो सर्टिफायम का ऐप है, जो कि ग्लीडा सॉफ्टवेयर ने बनाया है, ये किस चीज के लिए है, सेंड सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन फॉर फ्री विथ सर्टिफायम, सेट अप योर एग्जाम असेसमेंट और पार्टिसिपेशन फॉर्म एंड स्टार्ट टू इशू सर्टिफिकेट्स इन मिनट्स। तो ये किस चीज के लिए सर्टिफिकेट है, कि अगर कोई आप एग्जाम ले रहे हो, कोई असेसमेंट कर रहे हो, जैसे असाइनमेंट हम लेते हैं, कोई एक्टिविटी फॉर्म है, मतलब पार्टिसिपेशन का फॉर्म है कॉम्पिटिशन में, या एनी थिंग अंडर द स्काई, कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक इवेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वॉट एवर इट इज, उससे रिलेटेड अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं, देना चाहते हैं, तो ये सर्टिफायम आपको इंस्टॉल करना है। तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर लैपटॉप और पीसी और मोबाइल, ये सर्टिफायम को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ये बॉक्स पे जो इंस्टॉल लिखा है इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इधर आएगा कि परमिशन चाहिए कि ये कंटिन्यू करने के लिए, तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ऐप की कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उसको आपको यस कहना पड़ेगा। आई होप इट इज विजिबल, ये विजिबल है। इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, उसको यस करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हम इंस्टॉल करने की इसको कोशिश करते हैं। इसमें कुछ एरर आ रहा है,
It may be due to some internet issue. तो हम इसके बारे में बता दें आपको फिर से. सच काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ये सैंपल सर्टिफिकेट्स है. ये सर्टिफिकेट्स इसमें अपने आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं. बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स है, जैसे नंबर वन का ये टेम्पलेट है, आप यूज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. ये सेकंड टेम्पलेट है, वो आप कर सकते हैं. ये थर्ड टाइप का एक सिंपल सा सर्टिफिकेट है, ये एक आप यूज किया जा सकता है, आप कर सकते हो एग्जाम के लिए, एक्सेल शीट के लिए, इसमें सब चीजों में अटैच ये किया जा सकता है. हम ट्राई करेंगे एक और बार, जिससे कि इंस्टॉल करने के लिए. इसमें तो कुछ मुझे लगता है कि सम एरर इज देयर, बट वी विल ट्राई टू इंस्टॉल. फिर से हम बैक जाते हैं, बैक जाके सर्टिफायर को क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं इसको. वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल. ये इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इंस्टॉल करने में. आप इंस्टॉल का क्लिक करेंगे तो उसमें मैं प्रोसेस बता देता हूँ. आप इंस्टॉल करेंगे तो जैसे इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो इसमें परमिशन का एक बॉक्स आएगा, ओपन होगा, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. कंटिन्यू करने के बाद में भले ही यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. और कंटिन्यू करने के बाद में आपके ये ईमेल पर या गूगल फॉर्म पर ये सर्टिफायर अटैच हो जाएगा. यू कैन डू इट, इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं. सो यू हैव इंस्टॉल्ड मैनी एप्स, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे इंस्टॉल किए होंगे अपने मोबाइल पर एप्स, जैसे गूगल क्लासरूम आपने किया होगा, और गूगल फॉर्म्स का भी ऐप करते हैं, गूगल डॉक्स का भी हम करते हैं, गूगल शीट्स का करते हैं अपने मोबाइल पर. तो बहुत सारे वी ट्राई टू इंस्टॉल एप्स ऑन आवर मोबाइल, और यू कैन से ऑन आवर लैपटॉप. तो ऐसे ही ये इंस्टॉल आपको करने का है. हम देखते हैं कि फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, इफ इट इज पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो ये बहुत काम का है और इसको इंस्टॉल करना है. ये तो मेरा दिस ईमेल इज डिफरेंट, ये ईमेल मेरा डिफरेंट है. दूसरे जो ईमेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, उसमें मैंने इंस्टॉल करके रखा है. तो हम वो देख लेते हैं कि जब इंस्टॉलेशन हो जाता है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के बाद में हम इंस्टॉलेशन के बाद में हम कैसे उसको यूज करते हैं. अभी तक कैसे किया था हमने, अभी तक हमने इंस्टॉलेशन तक के प्रोसेस पे पहुंचे थे. उसको इंस्टॉल करना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को यस कहना है, और यस कहने के बाद में आपको यस कहने के बाद में आपको उसको यूज करना है. देन फॉर एग्जाम्पल, जो हमने कल का गूगल फॉर्म लिया था, हम उसको देखेंगे उसमें कैसे और कहाँ पर सर्टिफिकेट हमें दिख रहा है. जस्ट अ मिनट, नॉट दिस वन. ओके, वी विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल. हम ये सैंपल लेंगे जेन ऑस्टिन का. जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं सर्टिफायम को अपने गूगल फॉर्म में, तो एक आइकॉन यहाँ पर दिखने लगता है. ये किस चीज का आइकॉन है, सेकंड राइट साइड में देखो, ये कर्सर जहाँ मूव कर रहा है,
ये तो सेकंड वाला जो है कस्टमाइज थीम का, इसमें फॉन्ट्स, हेडर, फुटर और इमेज जो ये यूज करनी उसके बारे में। ये जो पहला है ये एड ऑन्स का, जैसे देखो इस पर कर्सर आता है तो इसमें लिखा है एड ऑन्स। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव क्रिएटेड दिस गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म आपने क्रिएट किया और सर्टिफाइम को मैंने कैसे बताया कि ये तीन डॉट्स पर जाकर, तीन डॉट्स पर जाके जो एड ऑन का बटन है, एड ऑन का जो आइकॉन है इसको क्लिक करना है और क्लिक करके सर्टिफाइम को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरा होगा, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड वन आइकॉन विल अपियर। इसके पहले कोई भी आइकॉन, यहाँ पर सिर्फ ये वाले आइकॉन दिखते हैं, अंडू, रीडू, प्रीव्यू का और कस्टमाइज थीम का। जैसे ही आपने एड ऑन को इंस्टॉल किया, सर्टिफाइम को इंस्टॉल किया, तो आपको ये आइकॉन यहाँ पर दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड दिस गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया, तो ये आइकॉन को हमें क्लिक करना है, हमको सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, सर्टिफाइम आएगा, या सर्टिफाइम को हमको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही सर्टिफाइम को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा शो कंट्रोल्स, तो हम इसको शो कंट्रोल्स को क्लिक करेंगे। व्हेन यू विल क्लिक शो कंट्रोल्स, जैसे ही शो कंट्रोल्स आप क्लिक करोगे तो नेचुरल है कि एक बॉक्स ओपन होगा। सी रिमेंबर, रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपका एक से ज्यादा ईमेल आपके लैपटॉप पर, मोबाइल पर ओपन है, आपने साइन इन किए हुए हैं, जैसे मेरे ये लैपटॉप पर व्हेन आई एम टेकिंग क्लास, मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ, तो इस समय मेरे तीनों चारों जो ईमेल है वो यहाँ पर ओपन है, साइन इन किया हुआ है मैंने अलग अलग जगह पर। तो एट दैट टाइम तब अगर हमें सर्टिफाइम का काम करना है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होता, ये इससे अटैच नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले बाकी सब ईमेल को आपको साइन आउट करना पड़ेगा उससे, या लॉग आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो क्लोज करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरे ईमेल्स को हम साइन आउट करेंगे। कितने ईमेल मेरे यहाँ पर ओपन है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, एक मेरा ये पर्सनल ईमेल है, ये एक नैक से रिलेटेड अलग काम के लिए, कॉलेज के काम के लिए ये ईमेल है, और एक डीआरजी का, मैंने डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप का मैंने ईमेल खोला, ये पूरे ईमेल यहाँ पर ओपन है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स, और फिर साइन आउट पूरे करना, लॉग आउट करना पड़ेगा पूरे अकाउंट से, और तब जाके मुझे साइन इन करके फिर मैं सर्टिफिकेट मैं उससे अटैच कर सकता हूँ। तो आई एम साइनिंग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स, मैं साइन आउट करता हूँ ऑल अकाउंट से, और फिर हम कोशिश करते हैं इसमें करने की। मैंने साइन आउट कर दिया, अब साइन इन अगेन, नेचुरल है कि ये साइन इन करना है, ये वाला हमें नहीं करना है, ये वाले ईमेल में हमें दूसरा ईमेल करना है। तो आई विल गो बैक, मैं बैक में जाऊंगा, बैक में कोशिश करूंगा कि जस्ट अ मिनट। हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में ही यूज कर रहे हैं इसको, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जाऊंगा, फिर से साइन इन मुझे करना होगा क्योंकि मैंने पूरे अकाउंट से साइन आउट कर लिया है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरे मेरे ईमेल आ जाएंगे, मैं जहाँ पर मुझे साइन इन करना है मैं करता हूँ।
आई हैव टू राइट माई पासवर्ड, पासवर्ड लिखना होगा मुझे, या दूसरा वे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि गूगल के दूसरे वे भी हैं साइन इन करने के लिए, जरूरी नहीं कि पासवर्ड का ही होता है। मोबाइल पर एक मुझे मैसेज आता है, मैं उसको यस करता हूँ, दैट आई एम ट्राइंग टू साइन इन। तो जैसे ही मैंने अपने मोबाइल पर टैप किया तो ये लैपटॉप पर ये ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हो गया, अब मैं इसमें सर्टिफिकेट अटैच कर पाऊंगा। तो हम जो एग्जाम्पल लिए थे हमने जेन ऑस्टन का, वी विल ट्राई टू टेक द एग्जाम्पल। क्या देखा था हमने? दिस वॉज द आइकॉन, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये विजिबल है पूरा स्क्रीन जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगा, एडऑन्स को सर्टिफाई में आएगा इसमें, इसको क्लिक करूंगा, शो कंट्रोल्स में मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही शो कंट्रोल्स में क्लिक करूंगा तो देखो, पहले मैंने साइन इन सब में किया था तो सर्टिफाइंग ओपन नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया और फिर से सिर्फ अपने ईमेल में जिसमें मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है उसमें मैंने लॉग इन किया, तो ये सर्टिफाइंग का जो बॉक्स है ये अपीयर होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, स्टेटस, सर्टिफिकेशन इज ऑन। अब सर्टिफिकेशन इज ऑन मतलब सर्टिफिकेट जुड़ने के लिए तैयार है, ज्वाइन होने के लिए तैयार है, अटैच होने के लिए। अब हमें ये जेन ऑस्टन का जो क्विज है, ये जो एग्जाम है, इससे हमें लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू लिंक, लिंक हम उसको क्लिक करेंगे। मैंने कर दिया और ये ऑप्शन दे रहा है मुझे, क्योंकि ये तो हम इसमें इसमें ऑप्शंस लेना, इसमें सबमिशंस लेना बंद कर दिया था, इसलिए इस ढंग का ये बॉक्स सामने आ गया। हम इसको रिस्पॉन्सेस को ओपन करेंगे पहले और फिर सर्टिफाइम का अटैच करते हैं। आई एम ओपनिंग एक्सेप्ट, ये रिस्पॉन्सेस का मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। सर्टिफाइम को मैंने क्लिक किया, सर्टिफाइम को क्लिक किया, शो कंट्रोल्स पे आया, देन इट इज ओपन, दिस बॉक्स इज ओपन। मैं लिंक टू एग्जामिनेशन को, ये ऑन हो गया तो इसको लिंक टू एग्जाम एग्जाम करूंगा, और जैसे ही लिंक टू एग्जाम करूंगा ये ओपन हो जाएगा, लिंक होगा उसमें। और जैसे ही लिंक होगा ये, और भी फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। ये सर्टिफाइम है, इसको क्लिक करना है, शो कंट्रोल्स को, और शो कंट्रोल्स में इसको लिंक करना है, देन पासिंग परसेंटेज कि कितना परसेंटेज मिलने पर, जैसे 10 मार्क्स का क्विज है तो 4 मार्क्स मिलने पे, 40% मिलने पर ये पासिंग हो सकता है। इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, 50 भी कर सकते हैं, यू कैन चेंज द फिगर, इसको फिगर चेंज भी कर सकते हैं आप, कम भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने 50 कर दिया अभी,
फिर यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है, एक तो सिंपल वाला सर्टिफिकेट हो सकता है जो कि टेम्पलेट है, या फिर आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। और रोज के जो फ्री में है वो 100 ईमेल्स मतलब 100 सर्टिफिकेट्स आप रोज के स्टूडेंट्स को बांट सकते हो। डेली लिमिट क्या है, 100 ईमेल्स की। 100 से ज्यादा ईमेल्स और जो सर्टिफिकेट है आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू अटैच सर्टिफिकेट विद गूगल फॉर्म। ये पूरा प्रोसेस को समझ लिया है आपने आई होप, और आप इसको ट्राई एंड एरर मेथड करना, इससे ट्राई करोगे आप तो नेचुरली यू विल ट्राई लेने ट्राई करोगे, 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको ये सब चीजें सर्टिफाइम इंस्टॉल करने आ जाएगा। सो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सेशन में ये पढ़ा, अपने आप से क्वेरी पूछना चाहिए ये चीज कि हमने क्या किस चीज की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली। कि गूगल फॉर्म हमने तैयार किया कोई इवेंट का, उसके साथ सर्टिफिकेट हमें अटैच करना है, तो हमने क्या किया, एड ऑन को क्लिक किया। एड ऑन को क्लिक करके हमने सर्टिफाइम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी है, एक के बाद एक जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आप तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। कंडीशंस जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस को यस कहना पड़ता है। ईमेल के साथ जो जिस ईमेल को हम यूज कर रहे हैं उसको ईमेल को ऑप्ट करना पड़ता है, और ऐसे वो इंस्टॉल हो जाता है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। इसको इंस्टॉल करना है, अपने गूगल फॉर्म के साथ उसको अटैच करना है। ये ध्यान में रखना है कि अगर दूसरे ईमेल ओपन होंगे तो सर्टिफिकेट कभी भी अटैच नहीं होगा। दूसरे ईमेल से, पूरे ईमेल से पहले साइन आउट हो जाना, लॉग आउट हो जाना, फिर से जहां पर हम प्रोसेस कर रहे थे गूगल फॉर्म में उस ईमेल को साइन इन करने का, और साइन इन करने के बाद सर्टिफाइम के जो राइट साइड में जो ब्लॉक ओपन होता है उसमें पूरे डिटेल्स देखने का, उसको लिंक करना है एग्जाम से, उसके परसेंटेज डिसाइड करना है कि कितने परसेंटेज पे सर्टिफिकेट स्टूडेंट को मिलेगा, 40%, 50%, 60%, वॉट एवर इज द क्राइटेरिया, जो भी आप क्राइटेरिया डिसाइड करें वो कर सकते हैं, और इस ढंग से लिंक करना। इन द नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। हमने ये तो देख लिया कि अटैच किया है, उसको बनाते कैसे हैं, उसको डिजाइन कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट, वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। वी विल मीट एट 10, 10 बजे हम मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम एक सिंपल सा सर्टिफिकेट डिजाइन करके बताएं एक सैम्पल के रूप में आपको, जिससे कि आप सर्टिफिकेट को डिजाइन कर लें अपनी एक्टिविटी के अनुसार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।